नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को फ्लोर टेस्ट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फ्लोर टेस्ट का फैसला सुनाने के तुरंत बाद उद्धव ने फेसबुक लाइव किया। उद्धव ने फेसबुक लाइव में कहा कि मुझे फ्लोर टेस्ट से कोई मतलब नहीं है, मैं सीएम पद छोड़ रहा हूं। उन्होंने विधान परिषद सदस्य से भी इस्तीफा दे दिया है। ठाकरे ने कहा कि मेरे पास शिवसेना है और कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। वहीं उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को धन्यवाद दिया। ठाकरे ने कहा कि कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से निकलने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है, किसके पास कितनी संख्या है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ना शिवसेना हिरावून घेऊ शकत, ना तुमच्यापासून आम्हाला ठाकरे कुटुंबियांना कोणी हिरावून घेऊ शकत। आपण इथेच राहणार आहोत आणि जसं मी माझ्या मुख्यमंत्री पदाचा आज राजीनामा देतोय, त्याचप्रमाणे मी माझ्या विधान परिषद सदस्यत्वाचा सुद्धा राजीनामा देतो आहे। कारण मी पुन्हा येईन असं बोललोच नव्हतो, तरी सुद्धा मी आलो होतो, जिथे मला जायचंच नव्हतं तिकडे मी गेलो होतो। आता मी आहे तो तुमचा आहे, तुमच्या सोबत आहे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने सरकार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिना समय बर्बाद किए बीजेपी ने बैठकें और बातचीत शुरू कर दी है। बीजेपी भी नई सरकार के गुणा भाग करने में लगी हुई है। कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। एक दो दिन में वे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने के बाद एकनाथ शिंदे के आवास के बाहर पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां बांटी गई। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।